चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रिय मोदी जी, नड्डा जी, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने सच की जीत पर मोहर लगाकर लोकतंत्र और संविधान के प्रति विश्वास का नया संचार किया है। सच की राह भले ही कांटों भरी हो, लेकिन सत्य का मार्ग हमेशा इतिहास रच देता है। बस एक और बात बता दीजिए, चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव में कैमरे पर सरेआम लोकतंत्र की हत्या करने वाले चुनाव अधिकारी अनिल मसी का असली मसीहा कौन था? #सत्यमेवजयते। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ यूपी के सिद्धार्थनगर CJM कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। ओवैसी से 5 मार्च को पेश होने को कहा गया है। ओवैसी ने 2019 में एक डिबेट शो में रामजन्म भूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवादित बयान दिया था, जिसके खिलाफ भारतीय जन क्रांति दल के अध्यक्ष राकेश प्रताप ने थाने में धार्मिक भावना आहत होने का केस दर्ज करवाया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया और ये कहा कि जिन लोगों ने मस्जिद को ध्वस्त किया है उन्हीं लोगों को मंदिर बनाने के लिए दे दिया गया। इस फैसले में कहीं माता सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हो सकता है, लेकिन हमारे लिए सुप्रीम नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने कमर कस ली है। आज प्रदेश में बीजेपी का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। आज की शाम मुंबई के अंधेरी इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले, आशीष शेलार समेत पार्टी के बड़े नेता इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनावी तैयारी, मुंबई से लोकसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आज बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में 3 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 48 है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 23 सीटें आई थी।